जमारत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। रोहतक हत्याकांड में बेटा ही निकला परिवार का कातिल, पुलिस ने सुलझाई चार हत्याओं की गुत्थी, प्रॉपर्टी डीलर का इकलौता बेटा गिरफ्तार, पुलिस का दावा प्रॉपर्टी विवाद में किया रिश्तों का कत्ल। हरियाणा के रोहतक के विजयनगर में हुई चार हत्याओं की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, प्रॉपर्टी डीलर, उसकी पत्नी, बेटी और सास की दिन दहाड़े घर में ही गोली मारकर हत्या करने वाला कोई और नहीं, प्रॉपर्टी डीलर का इकलौता बेटा 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू है जो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में उसने जब इस हत्याकांड का राज उगला तो पुलिस भी सन्न रह गई और लोगों के जहन में ये बार बार कोंद रहा है कि आखिर एक बेटा ही अपने परिवार का कातिल कैसे बन गया। चर्चा का विषय बने इस हत्याकांड में रोहतक के एसएसपी राहुल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने की वजह थी प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कहासुनी। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर की प्रॉपर्टी उसकी बेटी यानी अभिषेक की बहन के नाम थी, जिसकी वजह से वह नाराज था और इसीलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चार दिनों तक संदिग्धों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने उठाया और पूछताछ में उसने उगल दिए राज। अभिषेक उर्फ मोनू मृतक प्रॉपर्टी डीलर का इकलौता बेटा है जो रोहतक के जाट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीक करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे। दिल दहलाने वाली ये वारदात 27 अगस्त की दोपहर विजयनगर की बाग वाली गली में हुई, जहां पैसे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। बबलू, बबली और रोशनी की मौके पर मौत हो गई थी जबकि तमन्ना ने अगले दिन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठाते हुए मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे चल रही है पूछताछ। अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था जिसमें अभिमन्यु का पर्सनल, अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। दिखने में भोला भाला अभिषेक उर्फ मोनू हत्याकांड के बाद फूट फूट कर रोया, अपना जुर्म छिपाने के लिए खूब किया नाटक। उसने ये दावा भी किया वह घर पर ही नहीं था और अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गया था, लेकिन बाद में पता चला वो इस होटल में एक दिन पहले भी रुका था। पुलिस का कहना है कि वह बार बार बयान बदल रहा था जिसके चलते वह पुलिस के शक के दायरे में आया और अब उसने स्वीकार कर लिया है अपना जुर्म। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते।
रोहतक में प्रॉपर्टी के लिए हुए इस हत्याकांड ने 20 साल पहले हिसार के उकलाना क्षेत्र में हुए विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड को भी ताजा कर दिया है। प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों से नाराजगी के कारण निर्दलीय विधायक पूनिया समेत उनके परिवार के 8 लोगों की हत्या उन्हीं की बेटी सोनिया और दामाद संजीव ने की थी। तो साहेबान, रोहतक पुलिस के इस हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे के बाद हर कोई स्तब्ध है। एक बार फिर हरियाणा में प्रॉपर्टी विवाद में रिश्ते शर्मसार हो गए, जिसमें एक बेटा ही अपने पूरे परिवार का कातिल बन बैठा। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है और ऐसे में फिर वही सवाल कि आखिर रिश्तों से बड़े कैसे हो गए पैसा और प्रॉपर्टी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।